हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलोइंग प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम डिस्फेजिया भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें निगलने में, खाने को निगलने में, या किसी पानी को निगलने में, या ड्रिंक कोई और भी ड्रिंक को निगलने में दिक्कत होती है। तो वैसे जो दिक्कत है उसे हम डिस्फेजिया बोलते हैं, या उसे सोलोइंग प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ भी हो सकता है, एनाटॉमिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिक भी हो सकता है, या और भी कोई कारण हो सकता है। अगर एनाटॉमिक की बात की जाए तो लाइक क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जैसे जो कटे होंठ और तालू वाले बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, में ये प्रॉब्लम देखा गया है। टंग माल फॉर्मेशन, माइक्रो और रेट्रोग्रेंथिया अगर कोई है, या कोनोलैट्रेसिया है, ये कभी कभी जेनेटिक भी होता है, जैसे कि ट्राइसोमी 21 और 18, या बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम है लाइक मोबियस सिंड्रोम, एपर्ट सिंड्रोम, प्रैडर विली सिंड्रोम, क्राइडोकैचर सिंड्रोम। तो ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम है जिनमें निगलने की प्रॉब्लम हो सकती है, सोलोइंग रिलेटेड डिफिकल्टीज हो सकती है। बहुत बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत बार स्ट्रोक के बाद, या कोई अगर कोई माल फॉर्मेशन है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, या ब्रेन में कोई ट्यूमर है, या कभी कभी क्या होता है कि लाइक प्री मैच्योर डिलीवरी अगर हो जाता है बच्चों का, वैसे कंडीशंस में भी इन्फेक्शन, और भी बहुत सारे ऐसे लाइक डिसऑर्डर है। डीमाइलिनेटिंग कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गया। तो ऐसे ये जो सारे कंडीशंस हैं, इन सारे कंडीशंस में लोगों को निगलने में प्रॉब्लम आ सकती है, स्वलोइंग डिफिकल्टीज हो सकती है। कुछ और भी रीजंस होते हैं, लाइक अदर रीजंस में भी आते हैं, लाइक ट्राइकोस्टोमी हुआ है या अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी निगलने में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत बार पेशेंट्स को खाना या पानी को निगलने में दिक्कत आने लगती है। तो कब हम बोलेंगे कि लाइक पेशेंट्स को स्वलोइंग में प्रॉब्लम हो रहा है? तो जब खाने के समय लाइक अगर गैग हो जा रहा है, या कफ हो जा रहा है, या चोकिंग हो जा रहा है, कफिंग हो रहा है, जब भी कुछ पानी दे रहे हैं तो कफ हो जा रहा है, या गैग एक तरह का रिफ्लेक्स होता है, चोकिंग हो जा रहा है, सैलिबा को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, गर्गली वॉइस है, खाने के समय आँख से पानी आता है, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर रेगुलर है, फ्रिक्वेंट बेसिस पे है, वोमिटिंग हो जाती है तुरंत खाने के बाद फ्रिक्वेंटली, या रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो फिर से वापस हमारे गले तक आ जाता है, या चबाने में या निगलने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, फूड को स्टोर करना माउथ में प्रॉब्लम हो रहा है, फूड और ड्रिंक जो है लॉस हो जा रहा है खाना खाने के बाद। तो ये अगर सारी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को सोलोइंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। तो हम बात करते हैं सोलोइंग के फेजेस की। तो सोलोइंग के तीन फेजेस होते हैं, पहला ओरल फेज होता है, दूसरा फेरेंजियल फेज होता है, तीसरा इसोफेजियल फेज होता है। तो फेरेंजियल फेज जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, ओरल फेज और इसोफेजियल फेज में कुछ टाइम लगता है। तो फेरेंजियल फेज बहुत ही फास्टेस्ट होता है, और इसके बहुत सारे इसमें क्या जो पूरा प्रोसेस है वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए कोई और वीडियो बनाऊंगा। तो ये तीन स्टेजेस है, तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, ओरल स्टेज में भी हो सकती है, फेरिंजियल स्टेज में भी हो सकती है, या इसोफेजियल स्टेज में भी हो सकती है। ओरल स्टेज के भी दो और भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो प्रॉब्लम को देखते हुए कि किस पर्टिकुलर स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट भी करते हैं, जैसे फीस करते हैं, या कभी कभी हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हम ये देख लेते हैं खाना निकलते समय खाने की जो मूवमेंट है, जिसे हम बोलस बोलते हैं, उसकी मूवमेंट को देखते हैं कि कहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम उसकी ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। तो ये वीडियो को बनाने का जो सबसे मेन मोटिव था कि जब भी पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लाइक सोलोइंग रिलेटेड डिफिकल्टीज होती है, तो उनके पास एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उनके सामने होता है वो ये होता है कि किस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के पास मुझे जाना है, किनके पास इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो सोलोइंग डिसऑर्डर या डिस्फेजिया जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो उसका ट्रीटमेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं। तो अगर किसी को सोलोइंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए।
बहुत बार मैं एक कारण बताना आपको भूल गया, जैसे बहुत बार हेड एंड नेक कैंसर, जैसे जो कुछ लोगों को हेड एंड नेक कैंसर हो जाता है, यूजुअली